आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेंटागन का दौरा, अमरीकी वजीर दिफा से मुलाकात। तर्जमान पेंटागन के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दो तरफा दिफाई तआवुन के मुमकिन शोबों पर भी बातचीत की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में, M1 पर सवाबी से बुरहान इंटरचेंज तक गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं। लाहौर इस्लामाबाद और लाहौर सियालकोट मोटरवेज मुकम्मल तौर पर बंद। मोटरवे M3 पर फैजपुर से रजाना, M4 पर पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मुल्तान से अब्दुल हकीम तक भी शहरी मोटरवे इस्तेमाल नहीं कर सकते। पंजाब में आम इंतखाबात एग्जेक्टिव से कराने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने PTI की दरख्वास्त पर महफूज फैसला दे दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिसेस जारी करते हुए लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि दरख्वास्त में अहम नकात उठाए गए। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के कौमी सतह पर असरात होंगे। इलेक्शन पर गरीब कौम के अरबों रुपए खर्च होते हैं। अगर मुल्क की बड़ी पार्टियां नताइज कबूल ना करें तो सब ज़ाया हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद शफाफ इंतखाबात कराने के लिए तमाम उम्मीदवारों को मुसावी मौका देना होता है। वोटर्स को बग़ैर किसी खौफ के वोट कास्ट करने की आज़ादी होनी चाहिए। मौजूदा हालात में शायद इलेक्शन वो नतीजे ना दे सके जो जमहूरियत के लिए सोचे जाते हैं। GTA ने सिंध में रिटर्निंग अफसरान के तकरर को मुस्तरद करते हुए इसे एक तरफा इलेक्शन की साजिश करार दे दिया। GTA ने मुकर्रर किए गए रिटर्निंग अफसरान के मामले पर हम ख्याल जमातों से राबते का भी फैसला किया। दीगर जमातों के साथ मिलकर लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। उधर सिंध की निगरान काबीना का 8 अजला के SSPs तब्दील करने का फैसला। निगरान सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से इजाज़त तलब कर ली। सिंध हुकूमत ने पुलिस अफसरान की शिकायतों पर नए अफसरान की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दी। हमलावर दहशतगर्दी की जंग हार चुके। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुका। वो एक हमला करेंगे तो हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ाक़र की DI खान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। हमारे बहादुर जवानों के जज्बे बुलंद हैं। वो जिनको हौसला देने आए थे उल्टा उन्होंने हौसला दिया। वज़ीर आज़म ने CMH में दहशतगर्द हमले के जख्मियों की अयादत की। वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली और वज़ीर आला अरशद हुसैन शाह हमरा थे। आपस में लड़ते रहे तो दहशतगर्द फायदा उठाते रहेंगे। मुल्क में तकसीम की सियासत और इख्तलाफात खत्म करना होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर हाईकोर्ट बार से खिताब। बोले, शहीद भुट्टो केस में इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ देकर तारीख को दुरुस्त किया जाए ताकि ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो और किसी और वज़ीर आज़म के साथ ऐसा वाकया दोबारा ना हो। बिलावल ने पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से भी खिताब किया। बोले कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे। ख्वातीन को पाँव पर खड़ा करने के लिए बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। झूठे मुकदमात में सजा मुझे नहीं, 25 करोड़ आवाम को मिली। मेरे साथ दुश्मनी में कौम के साथ जो साजिश हुई उसकी वजह बताई जाए। हमारे साथ जुल्म हुआ, इंतकाम नहीं, हिसाब लेना तो बनता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के पानी माने इजलास से खिताब। बोले, उन्होंने जनरल बाजवा या जनरल राहील के खिलाफ कभी साजिश नहीं की। जो दुख उन्हें दिए गए उनका कोई मुदावा नहीं। 8 फरवरी को सबसे बड़ी अदालत और GIT बनेगी। फैसला आवाम करेंगे। इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास। काश्तकारों को यूरिया खाद मुकर्रा निरखों पर फराहम करने की हिदायत। निगरान वजीर खजाना ने कहा कि यूरिया सरकारी निरख से जायद पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ECC को मुल्क में महंगाई की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में महंगाई की सूरत हाल बरकरार है। तवानाई की कीमतों में हालिया इजाफे से महंगाई बढ़ी। ECC ने के इलेक्ट्रिक के साथ वाजिबात से मुतालिक समरी मौखर कर दी। उम्मीद नास का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए। उम्र गुजार दी गई। धर्म दहशत झिझक
परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप वो जी मगर कि सब क्या है तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती। नौजवानों में मकबूल मुमताज शायर जॉन एलिया का 92वां यौम पैदाइश। जॉन एलिया ने सिर्फ 8 बरस की उम्र में शेर कहना शुरू किया। जॉन एलिया अपनी गैर रिवायती शायरी से दिलों में उतर गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध ने मंजर धुंधला कर दिया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 पर पिशावर से रक्षई तक गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद है। मोटरवे M4 पर मुल्तान से पिंडी भटिया तक गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी है। मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। इसी तरह मोटरवे M5 में मुल्तान से उदशरीफ तक गाड़ियों का दाखिला ममनू है। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का मशवरा दिया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध ने मंजर धुंधला दिए हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 पर पेशावर से रिश्काई तक गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने आम इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने फायर चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी है। पंजाब इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से करवाने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। अदालत ने फ्रिकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने करार दिया इलेक्शन पर कौम के अरबों रुपए खर्च होते हैं, अगर मुल्क की बड़ी पार्टीज नतीजे कबूल ना करें तो सब ज़ाया हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए तमाम उम्मीदवारों को मुजाफी मौका देना होता है। वोटर्स को बग़ैर किसी खौफ के वोट कास्ट करने की आज़ादी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस इस अहम इशू पर लार्जर बेंच तश्कील दें।